शुभ संध्या मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 97 41 13 85 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट नंबर भी है। ये नंबर दोपहर में जो है मतलब ऑन होता है 3 बजे के बाद, लेकिन आप इस पर कॉल कर सकते हैं 5 बजे के बाद, है ना। आप इस पर ट्रेड सुपर ट्रेड सीटेट टीजीटी पीजीटी एलटी यूजीसी नेट लेखपाल यूपी कांस्टेबल कांस्टेबल जीडी आदि के प्रतियोगी परीक्षाओं के नोट्स आदि ले सकते हैं, जो कि आपकी बेहतरी के लिए और आपके भविष्य के लिए आपकी सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे, ऐसा मेरा वादा है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कुछ अपडेट निकल करके आ रही है आपके पीएनपी से, आपके यूपी टेट को लेकर के जो है मतलब शासन को 4 तारीखों का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें से 2 तारीखें आपकी जो है मतलब इसकी है दिसंबर माह की और 2 तारीखें आपकी जनवरी फर्स्ट वीक की हैं, ठीक है। और पीएनपी के सचिव महोदय का यह कहना है कि मतलब हम चाह रहे हैं कि पहले टेट हो जाए फिर सुपर टेट के विज्ञापन जारी करें। तो मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अब टेट की आवश्यकता नहीं है, आप औपबंधिक प्रवेश दीजिए उनको। जो विद्यार्थी टेट में सफल होंगे उन्हीं को आप जो है मतलब ज्वाइनिंग कराइएगा, अन्यथा की स्थिति में उनको बाहर कर दीजिएगा। तो टेट जो है मतलब तभी होगा जब सुपर टेट मतलब जो है वो चीजें हो, औपबंधिक उनको प्रवेश दिया जाए और जो सारी चीजें स्पष्ट हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो आप निश्चिंत रहिए, सुपर टेट की तैयारी लगभग लगभग पूरी हो चुकी है और बहुत जल्दी आपको विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। इस उहापोह की स्थिति में जो चीजें हैं वो सारी चीजें जो है स्पष्ट हो जाएंगी, बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएंगी कि पहले टेट कराया जाए कि पहले सुपर टेट का विज्ञापन है, क्योंकि 10 जनवरी से आपकी आचार संहिता भी लगनी है, तो इसके पहले ही इनको निर्णय लेना पड़ेगा और विज्ञापन भी देना पड़ेगा। और अगर ये कराना चाहते हैं तो टेट भी ये लोग करा लें, ठीक है। तो बहुत जल्दी इसका निर्णय हो जाएगा और आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए। आज लोक सेवा आयोग में बैठक थी और जो मतलब 4 सदस्य और अध्यक्ष महोदय की बैठक हुई है, समस्त सदस्य उपस्थित नहीं थे। कुछ बातचीत की गई है आपके एलटी में एसएसटी के जो मतलब विस्तार के लिए और हिंदी विषय में संस्कृत की अनिवार्यता की छूट के लिए और जो मतलब आपके संगीत में बीएड की अनिवार्यता की छूट के लिए, टेक्निकल आर्ट फाइन आर्ट और प्राविधिक कला के विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि के लिए गहन चर्चा हुई है। और जो मतलब इसमें एक शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, ठीक है, शासन को प्रस्ताव भेजा गया है और पूरी सहमति के साथ प्रस्ताव भेजा गया है, सभी सदस्य भी इसमें सहमत थे और अध्यक्ष महोदय भी सहमत थे। तो जो प्रस्ताव भेजा गया है उस प्रस्ताव पर शासन विचार करेगा और विचार करने के बाद जब अपनी सहमति देगा तो इन सारी चीजों पर अंतिम रूप से मोहर लग जाएगी, ठीक है। और नए एलटी ग्रेड के विज्ञापन के विषय में भी चर्चा हुई है, जो अध्याचन माननीय लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुए हैं वो अध्याचन वेरीफाई कराए जा रहे हैं और आपके विज्ञापन पे कार्रवाई आरंभ हो चुकी है, यथाशीघ्र आपका विज्ञापन जारी किया जाएगा, यथाशीघ्र आपका एलटी का विज्ञापन आएगा। इस बाबत जो आपके अध्याचन प्राप्त हुए हैं उन अध्याचनों की संख्या पर्याप्त है, 12,994 पद है और ये पद आपके लिए बहुत ही मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी देंगे। इस बार थोड़ा सा एलटी में बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा और जो मतलब आपको इसमें डिप्रेस्ड होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जीएस के क्वेश्चन कम किए जा सकते हैं, सब्जेक्ट के क्वेश्चन बढ़ाए जा सकते हैं, तो आप लोग पूरी तन्मयता और ईमानदारी के साथ तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाई को अपने जो है कंटिन्यू रखें। और जो मतलब थोड़ा सा जो सामाजिक चीजें आपके सम्मुख आएंगी, क्योंकि इसमें जो है शादी विवाह आदि का माहौल चल रहा है, ठंड भी थोड़ी बढ़ गई है, तो आप जो लोग अपना ख्याल रखें, ठंड आदि से थोड़ा बच के रहें। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पेपर हुआ था उस पेपर को भी मतलब मैंने देखा, पेपर जो है संतुलित बना था, बेहतर बना था और जो भाई बहन इसमें सफल हो उनको अग्रिम शुभकामनाएं हम देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि मतलब एलटी आपके जो मतलब जीआईसी का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपका 12 तारीख तक आएगा, ये सूचना मिल चुकी है लोक सेवा आयोग की तरफ से।
12 तारीख तक आपका जीआईसी का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो आपकी मुख्य परीक्षा प्रस्तावित होगी वो जनवरी में जो है मुख्य परीक्षा जो है मतलब प्रस्तावित हो सकती है, क्योंकि 20 दिसंबर को जो प्रस्तावित थी परीक्षा वो टाल दी गई है, तो ये परीक्षा आपकी जनवरी में जाएगी, ठीक है ना। एलटी का जो मतलब रिजल्ट है, सॉरी एलटी का करण, जीआईसी का जो रिजल्ट है वो 12 तारीख तक वो जारी कर दिया जाएगा। टीजीटी बायोलॉजी 2016 के फाइनल रिजल्ट के विषय में आज जो है मतलब चर्चा की गई लोक से सॉरी आपके चयन बोर्ड में, और वहां से जो जानकारी मिली है कि एलटी सॉरी बायोलॉजी 2016 का जो रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट वो आपका इसी हफ्ते में वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और अवशेष पैनल 2013 2016 2021 वेटिंग लिस्ट की जो कन्फर्मेशन है, चयन बोर्ड ने सभी लोगों से, सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से, और जो मतलब ये सारी चीजें विद्यालय वगैरह से सब जगह से आख्या मांग ली है कि आपके यहाँ कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितनी सीटें रिक्त रह गई हैं, इन सभी का डेटा जो है वो तलब किया गया है। 3 दिन में ये सारे डेटा क्लियर हो जाएंगे तो आप लोगों की जो है काउंसलिंग करा ली जाएगी और आप लोगों को जो है मतलब अवसर अवश्य दिया जाएगा। तो आप लोग 3-4 दिन वेट करिए और जो मतलब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कंफर्म हो जाएंगी, निश्चिंत रहिए, पूरी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। एलटी ग्रेड में जो वेटिंग लिस्ट आ रही है, जो वेटिंग लिस्ट आएगी वो वेटिंग लिस्ट भी आपकी 17 दिसंबर के पहले पहले फाइनल हो जाएगी। ना आपको मतलब जो है ना तो अधिका है ना तो न्यूना, इससे ना तो ज्यादा कुछ हो सकता है ना कुछ कम हो सकता है। आप 17 तारीख तक का वेट कर लीजिए और एलटी ग्रेड की जो वेटिंग लिस्ट है जिन विषयों की आई है या जिन विषयों की आ रही है वो सभी जो है क्लियरेंस में चले जाएंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। और जो चीजें आपकी जो परेशानियां हैं और टीजीटी से बीटेक वालों को जो है मतलब कुछ विद्यार्थियों को एतराज है कि बीटेक वाले जो है मतलब मैथ से जो है अन्य कैटेगरियों से बाहर किए जाए, तो उसके लिए भी वार्ता की जाएगी। अगर यह सार्थक मांग रहेगी, जायज मांग रहेगी, तो इस पर भी जो है मतलब विचार किया जाएगा, इन सारी चीजों को, इन सारे मुद्दों को उठाया जाएगा। जो छात्र हित में जो मुद्दे होंगे उन सभी मुद्दों को जो है मतलब उठाया जाएगा और उन सभी मुद्दों से जो है वो बातचीत की जाएगी। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। यह चैनल आपकी आवाज है, यह चैनल आपकी समस्याओं के निदान हेतु तो एक माध्यम है, यह चैनल आपकी सफलता के लिए उत्कृष्ट सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने वाला, टेक्स्ट बुक से बने हुए नोट्स आदि उपलब्ध कराने वाला चैनल है। तो आप लोग इस चैनल को सहयोग करिए, स्नेह दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और इस चैनल पर अपना खूब प्यार बरसाइए। आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से हमारा उत्साह बढ़ता है कि हमारे साथ इतने लोग जुड़ते जा रहे हैं, और आपकी जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को हम आवाज देते हैं, उन समस्याओं को हम उठाते भी हैं और संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के सम्मुख लेकर के जाते भी हैं, और ये सारी चीजें करने में हमें बहुत आत्मिक संतुष्टि मिलती है क्योंकि इसमें हमारे भाई बहनों का हित छुपा हुआ होता है। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर अवश्य कर दिया करिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, जिस पे भी आप हो, एक बार शेयर बनता है, मुश्किल से मुश्किल 10-20 सेकंड का टाइम लगेगा आपको। तो अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिए और बहुत कम समय में 6000 का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं और जिस तरीके से हमारे भाई लोग लगे हुए हैं ये आंकड़ा बहुत जल्दी ही 10,000 को क्रॉस कर जाएगा। तो मैं आपको दिल से धन्यवाद और दिल से प्रणाम करता हूं, आपको इस सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।